नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। खरगोन जिले के किसानों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इस बात का खुलासा किया कि उन्हें आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था द्वारा अमानक स्तर का बीज दिया है, जिससे उनकी फसल चौपट हुई है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मुआवजा राशि दिए जाने की मांग की है। दरअसल मामला महेश्वर तहसील के ग्राम चोली का है, जहां आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था द्वारा किसानों को बोनी के लिए सोयाबीन का बीज वितरित किया गया था, जो अमानक स्तर पर निकला। बात का पता तब चला जब क्षेत्र के किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आप बीती सुनाई। इस दौरान किसानों ने बताया कि लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के दौर से गुजरते किसान का सोयाबीन बीज बिना उगे जमीन में सड़ गया। वहीं मीडिया से रूबरू क्षेत्र के किसानों ने प्रशासनिक स्तर पर मुआवजे की मांग करते हुए सहकारी संस्था द्वारा दिए गए बीज को अमानक स्तर का बताया। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। ये हमने आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित चोली से बीज लिया था, जो बीज का अंकुरण हमारे जमीन में बोनी करने के बाद नहीं हुआ, तो उसको लेकर हमने स्थानीय प्रशासन को भी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 22 लाख का बीज हमारा अंकुरण पूरे ग्राम के किसानों का नहीं हुआ है और भारी नुकसान, ये बहुत बड़ा एक तरीके से नुकसान है, जिसको लेकर हमने कई बार पूर्व में भी आवेदन निवेदन कर दिए हैं। अगर आज भी अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम 5 दिवस के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे, मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन करना। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।